अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज तक आप सुने होंगे कि दुनिया में नमूनों की कमी नहीं है, लेकिन आज आपको एक नमूना देखने को मिलेगा। ये शख्स 32 साल का है और इसका नाम है बूसा शिवाजी। जब जीडी मंडला पुलिस ने इसे पकड़ा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मर्डर बोर्ड अपने साथ लाया था और साथ में कुछ लकड़ी के टुकड़े, ये सब नकली अटेम्प्ट है। ये लेकर ये एक बैंक के अंदर इंटर हो गया और बैंक वालों को धमकाने लगा। ये मदर बोर्ड अपने जिस्म के ऊपर चिपका कर इसने 2 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद में बैंक वालों ने इसे 2 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों ने पुलिस को भी कॉल कर दिया, जिसके बाद में मौके वारदात के ऊपर पुलिस पहुंच गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने लोग भी जमा हो चुके हैं। ये क्रेन ऑपरेटर का जॉब किया करता था, लेकिन इसका विजन कमजोर हो गया, जिसकी वजह से इसकी जॉब चली गई। और ये बैंक में बोल रहा था कि खुद को उड़ा लूंगा, लेकिन पुलिस ने देख लिया कि ये नकली अटेम्प्ट्स बन कर रहा है। इसके बाद सबके सामने पुलिस ने इसका मदरबोर्ड खोल दिया। उसके बाद में क्या हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। బాబు హెల్పో హెల్పో మా ఓ ముస్లామే ఇవి సాక్ష్యం కింద రాసుకో తెలంగాణ సెక్యూరిటీ పీక్ పడేసి ఏ పోయే చాలూ బంద్ సరే సెక్యూరిటీ। अभी पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पकड़े जाने पर यह बता रहा था कि इसको 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदना है, लेकिन 2 लाख रुपए में तो 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं आता, लेकिन असल रीजन पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों की क्या राय, इससे मुताबिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।